कि मवाली कौन है, मवाली किसान है या मवाली सरकार। पंजाब में अकेले निकल कर दिखाएं, खट्टर का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देते। अभी मान जा भाई, मान जाएगा तो अच्छा रहेगा। हमारी संसद का तो मतलब है, पर उनकी संसद का कोई मतलब? हमारे पंजाब में निकल कर दिखा ले, सिक्योरिटी के बिना कोई भी इनका लीडर रोड पर आके दिखा ले। जो हमारी सरकार है बखलाई हुई है, बखलाहट में है, बहुत कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है। बोलने दो, इनको मालूम लग जाएगा कि मवाली कौन है, मवाली किसान है या मवाली सरकार है। सरकार का जो चेहरा है सामने आ रहा है, कम से कम तुम आप देखो, 9 महीने से हम बॉर्डर पर बैठे हैं, 8 महीने पूरे हो गए, 9वां महीना चल पड़ा है। हमारे 600+ किसान शहीद भी हो गए वहाँ, एक किसान रात शहीद हुआ टिकरी बॉर्डर पर हमारा। इनने उसके मतलब महसूस भी अफसोस भी नहीं किया। मवाली कौन हुआ, किसान हुआ या सरकार हुई? सरकार मवाली है। लेकिन जो बीजेपी कहती है कि हम संस्कारों वाली पार्टी हैं, भाई साहब पार्टी तो हटी हुई है लाइन पे, कहाँ है बीजेपी का वजूद है? कहीं पंजाब में अकेले निकल कर दिखाएं, हरियाणा में इसकी सरकार है बीजेपी की, खट्टर का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देते। क्या सरकार है, सरकार क्या, कहाँ पर है इसकी सरकार? ये तो ख़त्म है। मैं मोदी जी को आपके माध्यम राही अभी कहना चाहता हूँ, अभी मान जा भाई, मान जाएगा तो अच्छा रहेगा, कहीं ना कहीं तेरा चेहरा बच जाएगा, नहीं तो 2024 में हम साफ कर देंगे बीजेपी को, इंडिया के नक्शे पर दिखेगी नहीं कोई बीजेपी भी थी। बच्चे जे बोलेंगे थी, कहाँ है, ख़त्म हो गया सबको, होगा जे पक्का है, जे देखी जाओ आप पक्का होगा। सर कृषि मंत्री कह रहे हैं जो किसान संसद चला रहे हैं ना, इसका कोई मतलब नहीं है। कृषि मंत्री तो वो अपने हिसाब से कह रहे हैं, उनके संसद का क्या 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 मतलब है? कोई अच्छा आता है? पहले हमारे 2 बिल पराली एक्ट और बिजली एक्ट, इसने कह दिया था कि जय हम रद्द करते हैं, और फिर बोले संसद में। हमारी संसद का तो मतलब है, पर उनकी संसद का कोई मतलब है? अपने हिसाब से बोल रहे हैं वो, बोलने दो भाई, झूठी सरकार है, झूठ बोलते हैं, बोलने दो, क्या असर होता है? लेकिन सर आप कहने इसका कोई मतलब नहीं, उसमें तो चुने हुए सदस्य है ना, आपके यहाँ कोई चुने हुए सदस्य? हमने चुने थे भैया जी, किसने चुने थे? किसान ने चुने थे, आपने चुने थे, मगर जो चुने हुए संसद वो खाते तो रोटी है, रोटी आटे की होती है, आटा कहाँ से आता है? गेहूँ तो किसान के खेत में ही होती है वहाँ। अब वो हम अपने खेतों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने अपने पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो रोटी खाकर भी अपने पेट की लड़ाई अपने किसान के ही लड़ाई में शामिल नहीं होगा, हम उसको क्या बोलेंगे, झूठे वो है कि हम होए? हमारे जे देश ने चुने हैं किसान, अपनी पेट की लड़ाई की खातर आए, वो भी हमने उन पर मानता, उनको वोट देकर हमने डाला, जे बिना वोट कर वोट से आए हैं, सच्चा कौन हुआ? राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि लखनऊ भी दिल्ली बनेगा। देखो राकेश टिकैत जी हमारे सीनियर नेता है, वो बड़े नेता है, जो कहते हैं वो करते हैं, होएगा बिल्कुल होएगा, हम उस पर बोता नहीं, क्योंकि जो सीनियर होता है वो सीनियर ही होता है। जो राकेश टिकैत जी कह रहे हैं सही कह रहे हैं, जो वो कॉल देंगे कोई बात नहीं, पंजाब हरियाणा राजस्थान रलकर उधर को हो जाएंगे। सर जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जा रहा है आंदोलन का, ये आंदोलन मजबूत हो रहा है या कमज़ोर हो रहा है, कुंद होता जा रहा है, किस तरह से देखते हैं आप इसको? नहीं देखो, मैं एक छोटी सी बात में इसका फैसला करूंगा, पेड़ लगाते हैं, आज लगाया, साल में यहाँ आ गया, 2 साल में यहाँ आ गया, फिर फल देने लगता है। अब तो हमारा आंदोलन फल देने लगा है, जे फेल नहीं होगा, जे मजबूती पर ही जाएगा और मजबूत हो ही जाता है। हमारे निक्के निक्के बच्चे 6 साल से लेके 80 साल तक बुजुर्ग इसमें आते हैं, शमूलियत करते हैं, अरे भाई मजबूती हुआ है, लेकिन डॉन थोड़ी हुआ। आखिर उसका डर क्यों लगता है भाजपा को, उस वोट बैंक का जो किसान सड़क पर बैठा है? ओ भैया जी, डर तो बहुत है इसको, कहाँ डर नहीं है भाजपा को? हमारे पंजाब में निकल कर दिखा ले, सिक्योरिटी के बिना कोई भी इनका लीडर रोड पर आके दिखा ले, इसका हल क्या होता है आप देख रहे हो। हमने तो अपने किसान रोक रखे हैं, भाई काले झंडे से इसका विरोध करना, किसी ने मारपीट नहीं करनी, किसानों के अंदर गुस्सा इतना है, रो इतना है। लेकिन सर जो देश की राजनीति का रास्ता होकर जाता है उत्तर प्रदेश से, देखो हमारे संयुक्त मोर्चे की अब काल आने वाली है संसद के बाद, हम उत्तर प्रदेश का रुख करेंगे, वहाँ मिशन यूपी चलेगा, वहाँ से भी साफ होगा। भाई जे तो अपने पैर में, जैसे कहावत है कि आप खुआड़ी मार रहे हैं, जे जो हमारे बीजेपी आगू हैं, पर आगू कहने के हकदार नहीं है जी, हम फिर भी
इसका सत्कार करते हैं, अपने पैर में आप अखवाड़ी मार रहे हैं। यूपी में इनका बड़ा वोट बैंक है, जब यूपी में किसी भी पार्टी को वोट पड़ जाए तो वो विनर हो जाता है, सत्ता में जाती है, मगर इनकी सत्ता साफ करेंगे यूपी में भी। लेकिन जो नरेंद्र मोदी है प्रधानमंत्री है, वो सबसे ज्यादा फोकस जो है उत्तर प्रदेश पे कर रहे हैं। अरे भाई वो तो बंगाल में भी फोकस करते थे, कितनी बार गया वहाँ, 18 कितनी बार गया, क्या हासिल कर लिया, कर लें जो मन में है कर ले। जहाँ देखो जो अन्न गाता है उसको भी भगवान माना जाता है और उसको भी भगवान माना जाता है। भगवान जिसके साथ हो वह कहाँ कैसे हार जाएगा, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, आज कल परसों हमेशा जीत सच की होती है और होएगी होती रही है। सर जिस तरह से राहुल गांधी ने ट्रैक्टर लेकर आए थे संसद भवन तक, बहुत बड़ा ड्रामा किया राहुल गांधी ने, ट्रैक्टर चलाने का शौक है तो भाई मेरे खेत में आए, किसान भाइयों के खेत में आए, जुताई करें, हमारे साथ काम में हाथ बटाएं, फिर कहेंगे कि राहुल गांधी किसानों के साथ है। राहुल गांधी की उम्र कितनी होगी, पहले कभी देखा उसको ट्रैक्टर चलाते हुए, ट्रैक्टर में लग्जरी सीटें लगी हुई है, वो ट्रैक्टर था वो तो गाड़ी बनाया उसने। लेकिन सर राहुल गांधी ने बड़ी बड़ी पैदल यात्रा की है, चाहे भट्टा पार्सल हो, काफी सक्रिय तो रहते हैं वो किसानों के लिए। नहीं राहुल गांधी अब क्यों जागा, पहले कहाँ था किसानों के लिए, 9 महीने होगा किसानों के बॉर्डरों पर बैठे हुए, बॉर्डरों पर मरते हुए। मैं जे बोलने से तो पंजाब में तो रैली करी है ना उन्होंने, कही बिल्कुल करी है, पंजाब में रैली करी है, किसानों की रैली के विरोध में करी है, एक तरफ किसान रैली चल रहा था दूसरी तरफ राहुल गांधी ट्रैक्टर में जा रहा था। अरे ये क्या है, अगर पहले साइन क्यों किए फिर, सभी हमारे संसद ने उस पर ठप्पा लाया तो बिल पास हुए, ठप्पे के बिना थोड़ी हुआ कोई बिल पास। हमारे पंजाब में 2015 में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बरगाड़ी कांड में बेअदबी हुई, उसके दोषी अभी तक नहीं पकड़े गए, जो पुलिस वाले जगराओं में दो मारते थे उसके दोषी तो कलकत्ता जाकर इसने इन्हें मार डाले सरकारों ने, जो इसके लिए उसकी तो जाँच बहुत जल्दी करते हैं जे, जो जो हमारे पक्ष की है वो जांच, जे बिलों की जांच अब तक क्यों नहीं हो रही, हम इसको बार बार बोलते हैं। जे तोमर जी बोलते थे कि जो जो लेने आपको पसंद नहीं हम निकाल देते हैं, भाई हमें तो सभी कानून काले हैं, उसको रद्द करो दोबारा, फिर हमारे खेतीबाड़ी मंत्री खेतीबाड़ी माहिर है जो, उसको बीच बिठालना दोबारा फिर बना लो, क्या बात है, कितनी बड़ी बात है, तुम्हारे देश का अन्नदाता रोड़ों पर मर रहा है, आंदोलन कर रहा है 10 महीने से है ना, वो भी अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़ कर रहा है घर में। सर 15 अगस्त आ रहा है कुछ दिन के बाद में, जिस तरह से 26 जनवरी को देश में बवाल हो गया था, देखो साजिश तो जो सरकार दिन रात रच रही है, हम पहले दिन से बॉर्डर पर बैठे हैं, कभी बॉर्डर पे परसों की बात है रात को 1 बजे हमारे लंगर पर एक लड़की भेज दी, जवान लड़की, तो खाना खाना ही होगी ना वो, तो रात को 12 बजे कहाँ खाना चलता है भाई, अपने घर में खाएं, क्या करने आई वो। हम फिर उठे, फिर SHO कुंडली को फ़ोन किया, वो अपनी लेडी पुलिस लेकर आया बेचारा और रात को उसको लेकर गया, हमें कहीं ना कहीं बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, हमारे जो किसान है जो शांति के प्रतीक है। सर ये जो आपके धरना स्थल चल रहे हैं, धरना स्थल हैं जितने भी दिल्ली के आसपास, इनको घटनास्थल में कौन तब्दील करता है, किसान या पुलिस प्रशासन या असामाजिक तत्व जो इनको बिगाड़ने की कोशिश करते हैं धरनास्थल को। देखो ना तो किसान बिगाड़ सकता है ना पुलिस बिगाड़ सकती है, जो RSS के गुंडे पाल रखे हैं इन BJP वालों ने वो बदनाम करते हैं, मगर जो हमारी कौम है जो किसान कौम है वहाँ तो बैठे हैं, जे तो दिन रात खेतों में काम करते हैं भाई, होता है ना, बदनाम करने की जितनी मर्जी कोशिश करे, इस कौम के ऊपर उस रब का हाथ है, जिसके साथ भगवान होता है वो कौम कभी नहीं हारती, हम जीतेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हम ठान कर आए हैं।